माता पिता के सेलफोन खरीद कर नहीं देने से हाथ एक युवती ने आत्मदाह की कोशिश की। युवती ने अपने माता पिता के सामने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। यह मामला तांडूर के वसीराबाद थाना अंतर्गत हसनपल्ली गांव का है। युवती के परिजनों और पुलिस वालों के मुताबिक गांव के वड्डी लक्ष्मी लक्ष्मैया की बेटी वड्डे नवीना हैदराबाद के एक मकान में घर का काम करती है। इसी क्रम में अपने किसी रिश्तेदार की शादी के लिए 20 दिन पहले नवीना हसनपल्ली में अपने घर आई थी। 3 दिन पहले वह अपने माता पिता के साथ महाराष्ट्र के तुलजापुर मंदिर गई। वहीं शुक्रवार को लौटते समय गुलबर्ग के पास उसका सेलफोन गुम हो गया। इससे नवीना खुद को कोसते हुए रोने लगी तो माँ लक्ष्मी ने समझा बुझाकर उसे शांत किया। परंतु कल यानी शनिवार को नवीना ने अपने माता पिता से नया सेलफोन खरीद कर देने की जिद की तो माँ लक्ष्मी ने उसे डांट लगाते हुए कहा कि आज घर पर पूजा है और कल बाजार जाकर फ़ोन खरीदेंगे। माँ की इसी बात से आज नवीना गुस्से में रसोई घर में गई और मिट्टी का तेल अपने शरीर पर डालकर खुद को आग लगा ली। हालांकि मौके पर मौजूद माता पिता ने तुरंत आग को बुझा दी, लेकिन तब तक उसकी छाती और सिर गंभीर रूप से जल गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और 108 नंबर के वाहन से उसे इलाज के लिए तांडूर जिला अस्पताल में भेजा गया। तांडूर में उसकी बिगड़ती स्थिति को देखकर डॉक्टरों के सलाह पर उसे हैदराबाद भेजा गया, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। Thank you.